जब राम मंदिर के सामने आसमान से उतरा साक्षात पुष्पक विमान, तब राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गए। दोस्तों, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को हैरान कर रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों देखी जो बताएं उसे सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक सच्चे दिल से भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बनता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक, घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम की अयोध्या की फोटो वितरण कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 70% कार्य हो चुका है। 60 खाबों पर मूर्तिकारी का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से यह धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वह भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 13 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। राजू नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके राजू जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कार एक विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में अगले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था यह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हों। राजू ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही वह बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसके तेज को कुछ सहन नहीं कर पा रहा था। राजू जब सुबह उठा तो वह उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथ ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन राजू मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम राम मंदिर आ चुके हैं। यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां शायद उसने पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से। पहले अयोध्या प्रकट हुआ साक्षात पुष्प विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए आपको पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। आगे हमारे YouTube चैनल गुलशन एजुकेशन टिप्स पर आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताए जाएंगे, जिसे समझकर आपको यकीन होगा कि अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण पुष्पक विमान का जिक्र है, जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हत्या किया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। उनको हारने के बाद यह विमान श्री राम के पास आ गया। वह जीत हासिल करने के बाद इसी विमान के कहीं जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया था और लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद इस विमान के जरिए प्रभु श्री राम माता सीता
और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उसे तो यही लगता है कि यह आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। रामायण के सुंदरकांड के सप्तम अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता। तात्कनिक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेवा को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसान बने थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन करके दिव्या विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। अब दोस्तों, कई हजारों सालों बाद एक बार फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माँ का सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। वह भी अपने इसी पुष्पक विमान पर, जिसका नजर वहां के मजदूर अपनी आंखों से देख चुके हैं। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि जब माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था, तो रास्ते में जटायु ने अपने चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उसे समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था। इसके बाद रावण ने तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब सीता को खोजते हुए राम पेड़ पौधे और पक्षियों से पूछते जा रहे थे, तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। वर्णसन परे जटायु ही राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में गया है। लेकिन जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं, तो भला उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे आज जटायु से जोर कर देख रहे हैं, शुभ संकेत भी मान रहे हैं। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के गांव धरौली में पिछले 5-6 दिनों से गिद्धों का झुंड वास कर रहा था। हालांकि उस गांव से गिद्ध उड़ गए हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहां वहां दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से हम लोगों ने इस इलाके में गिद्ध नहीं देखे थे। अब जब राम मंदिर बन रहा है, तो इस गांव में लगभग 100-200 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 20 बार है गिद्ध गांव में ही सेमल के पैर पर वास कर रहे थे। गिद्धों के दिखने की घटना को ज्यादातर लोग राम से जोर कर देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के समझ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश की कई महान हस्तियों को निमंत्रण दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, नेपाल में भी कुछ विशेष लोगों को समझ में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है। क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था, जहां के राजा थे। राजा जनक और उनकी पुत्री माँ सीता वहीं पर भूमि में से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम, जिसे मिथिला भी कहा जाता था, मिथिला संस्कृति में यह मानता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है, तो उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा, तो सीता जी की ओर नेपाल से अयोध्या उपहार आ रहे हैं, जिसे बाहर यात्रा का नाम दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपरे फल और मेवा के साथ साथ उपहार से सजे 1200 साल आने वाले। इसमें आभूषण बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा बाहर भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयां, चांदी के बर्तन शामिल हो। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजारों कर सेवकों और राम भक्तों का बलिदान छुपा है। दोस्तों, राम मंदिर को बनता हुआ देखना सौभाग्य है, लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं, तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आक्रमणकारियों के लिए आपकी क्या विचार है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और हमारे महान शहीदों के लिए आपकी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और हमेशा ऐसे सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे गुलशन एजुकेशन टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय श्री राम।